नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया कराहल क्षेत्र का दौरा, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगी वोट। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में इन दिनों ये सीट हॉट सीट का रूप ले चुकी है। कई बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं। यहां बीजेपी के सीएम से लेकर तमाम मंत्री तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई पूर्व मंत्री क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आज इस क्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कराहल आए हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में कई ग्रामों का भ्रमण किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान नेता प्रतिपक्ष को ग्रामों में कई सुविधाएं देखने को मिली, जिन्हें देख उमंग सिंघार भी अचंभित हुए और कहने लगे कि बीजेपी के विकासवादी युग में अभी भी इन गांवों की दयनीय हालत है कि क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कई जगह स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। कई लोग अपनी समस्या लेकर भी पहुंचे, कहने लगे कि हमें बस चुनाव में पूछा जाता है, बाद में सब भूल जाते हैं। बील पटेलिया समाज के लोगों ने कहा कि हम 20 साल से स्थायी जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर बीजेपी ने आज तक हमें बस सपने ही दिखाए हैं। हमें जाति प्रमाण पत्र के लिए झाबुआ जाना पड़ता है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव बाद उनकी आवाज विधानसभा में उठाने की बात कही है। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राम निवास रावत ने इतने समय में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। क्यों? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, थक गया सर। तो क्या बोलता है राम निवास रावत? आज बोलता है राम निवास हमारा यहाँ सकल भी नहीं बताए, विधायक बना जब तक सकल भी नहीं बताए। हमारी मुसीबत, एक तो मुसीबत ये है कि ये स्थायी जाति यहाँ से बच्चे की पढ़ने के लिए स्थायी जाति अपने झाबुआ भेजता है और यहाँ भी नहीं बनती है। अब राजधानी एक ही है, अब यहाँ से जाने में कितना, एक बच्चे के लिए जाने में कितना खर्चा बैठेगा। 1979 में आए भाई साहब, जब से हमारे ना तो पट्टे है और ना जाति प्रमाण पत्र। जिस दिन बीजेपी सरकार आई उस दिन से हमारे जाति प्रमाण पत्र बंद हो गया था, और पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस समय पे लाल जाति प्रमाण पत्र बन रहा था। अभी इस टाइम पे हमारे जो जाति प्रमाण पत्र बनने के कारण से हमारे बच्चे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बाहर मजदूरी कर रहे हैं। तो इसकी मांग सबसे पहले हमारी यही मांग है कि जाति प्रमाण पत्र हमारे हमारे लिए मांग यही है। मुख्यमंत्री आया था कितने में, वो मेरे को ध्यान नहीं, पर गांव में आया था कराल में, उसने बोला था। मैं जिला पंचायत सदस्य था उस टाइम पे, आज मैं 10-15 साल हो गया। आज तक हमारे मेरे को खंधे पे खंधे हाथ धर के बोला था कि तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र जारी कर दूंगा, तो अभी तक वो भी नहीं। तो आज 15 साल हो गया हम, और आज तक हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं, ऐसी नहीं है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर भी बच्चे हमारे गुजरात में कहीं उधर उधर भटक रहे हैं और मजदूरी करके खा रहे हैं। सेंचुरी में कवर कर रहे, जिसके पास पत्रा है उसको तो लाभ मिलेगा, और जिसके पास नहीं है। राम निवास रावत जी आए, इन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं किया, तो नहीं करा अभी तक, 20 साल हो गया उसमें, कुछ नहीं करा। उसको बना दे, हमें से हम तो कांग्रेस पार्टी है, हमारे बाप दादा पंजाब में रहे और पंजाब में। ये चुनाव के बाद में आपकी ये आवाज सदन में उठेगी भैया, उठाएंगे। चलो ऐसा है, अब मैं भी, आप तुमको पता ही, मैं भी धार झाबुआ का हूँ, ठीक है, जानते ही हो सब आप लोग, सब जानते हैं। तो तुम्हारे जाति प्रमाण पत्र वाला अभी चुनाव हो जाए, इसके बाद इसका क्या रास्ता निकलना। लेकिन मैं जवाबदारी लेता हूँ कि तुम्हारे 32 गाँव के जाति प्रमाण पत्र जो आपको लाभ मिलता है, वो उसके लाभ के लिए क्या करना है, क्या सरकार ने करवाना है, इसकी जवाबदारी मेरी, आपका काम करवा देते, ठीक है। नाम है मिंदा भाई, अपनी मुकेश जीतेगा, ठीक है, लगना बिल्कुल। क्या कहते हैं, 3 किलो गेहूँ देते हैं, 3 किलो में पार पाल लेते, 1 महीना की नो बताओ, 3 किलो 2 किलो चावल देते हैं, 1 महीना हम तुम पाल लांगे का पाल, मतलब 1 महीना काम चल जाएगा, 1 महीना चल जाएगा काम, पर ना हमन को आवास मिली, आवास भी मिली, 2000 की कट्टा, आवास भी नहीं मिली, 2000 की कट्टा, साथ में कट्टू नहीं मिले, और सेनल बटा 1800 रुपया कट्टा के हाथ के। अब क्या करना है ये बताओ, अब तो अपन ने मुकेश को देना बोल, स्थायी जाति बनना है हमारे बच्चे को, और बच्चे पढ़ के और आधे रह जाते, पूरे नहीं पढ़ पाते, नौकरी भी नहीं मिलती हमारे बच्चे को। कितनी बार मांग उठाई है आपने ये? हम बहुत बार कह चुके हैं, पर कह चुके हैं, पर फिर भी मांग नहीं होती हमारी, कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ इस पर, कुछ भी काम नहीं हुआ है। हमारा रोड भी ऐसे डला, इधर देखोगे जब
जाते हैं तो इतने तक खर्चा हो जाता है। सड़कें भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है हमारी। इतने सालों से तुम लोगों ने तेरी बात उठाई, कभी रामनिवास रावत कभी नहीं आया वोट लेने के लिए आते, वोट लेने के लिए आते बस, बाकी जीतने के बाद तो सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं, कोई नहीं आते थे। तो चुनाव के टाइम पे तो यहाँ कई नेता लगा देते हमारे पीछे, अब जैसे जीत जाते सब अपने घर बैठ जाते, हम परेशान रहते। जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा तुम्हारा? जाति प्रमाण पत्र अभी सर मैंने 8 फॉर्म ऑनलाइन करवाए थे, उसके 8,000 रुपए दिए थे कराल में, मैंने शिकायत भी और मीडिया द्वारा भी निकलवाए, तो भी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी आतंकवादी नक्सलवादी है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि लुटेरा बैंक लुटेरा है। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चकनाचूर हो रही है और इन्हें अभी पता नहीं कि जनता जब इन्हें बाहर करती है तो कैसे, जब 400 पार की बात कर रहे थे तो कैसे ये 200 के करीब टिके ये लोग आके, आप समझ सकते हो कि इनकी सीटें बहुमत के बाहर आई, तो इनका जरूरत से ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस में रहना इनके लिए नुकसानदायक। कार्रवाई वगैरह करेंगे और निश्चित तौर से हमारे जो प्रत्याशी है जो सरल स्वभाव के जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, अगर कोई आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है तो अगर उसको नक्सलवाद कह रहे हैं तो ये आदिवासी समाज का अपमान है। ये इस चुनाव के अंदर ये आदिवासी समाज बताएगा कि आदिवासी समाज देश के साथ खड़ा रहता है। लीगल कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी निश्चित तौर से, इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।